हेलो एस्पिरेंट्स, ये कुछ फीचर्स हैं, आप चेक कर सकते हैं। बात करते हैं किसी भी आंसर को किस तरह से अटेम्प्ट करना चाहिए। वैसे तो हर किसी का अपना अपना तरीका होता है आंसर को अप्रोच करने का, लेकिन हम यहाँ पर एक बेसिक अप्रोच को यूज़ करेंगे जो ऑलमोस्ट सभी के लिए सुइटेबल हो और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हो। हमारी बेसिक अप्रोच कहती है कि सबसे पहले क्वेश्चन के कंटेक्स्ट को समझना चाहिए। कंटेक्स्ट मतलब वह ब्रॉड एरिया, वह ब्रॉड थीम जिसके ऊपर यह क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। इसको सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि एक्सप्लेन काउ, तो आप जिस एरिया में सोचेंगे वह काउ होगा। आप किसी और जानवर के बारे में नहीं सोचेंगे, राइट? यहाँ तक तो हमें पता चल गया कि हमें किसी दूसरे जानवर के बारे में नहीं सोचना है, लेकिन काउ के बारे में भी क्या सोचना है? अभी भी कंटेक्स्ट पूरा क्लियर नहीं है, इसलिए क्वेश्चन के पूरे कंटेक्स्ट को समझने के लिए हम उसके कीवर्ड को भी देखते हैं। क्वेश्चन के कंटेक्स्ट को पूरी तरह से समझने के लिए हम उसके डायरेक्टिव वर्ड को भी देखते हैं। डायरेक्टिव वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो उस टॉपिक के अंदर भी किस डायरेक्शन में सोचना है उसके लिए गाइड करते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था एक्सप्लेन काउ, इसके अंदर जो डायरेक्टिव वर्ड है वो है एक्सप्लेन। उसके अकॉर्डिंग हम काउ के बारे में उसके फीचर्स बता सकते हैं कि काउ के चार पैर होते हैं, एक पूंछ होती है। लेकिन वहीं अगर हमने डायरेक्टिव वर्ड क्रिटिकली एनालाइज लगा दिया तो हम सेम टॉपिक काउ के बारे में ही डिफरेंट डायरेक्शन में सोचेंगे, मतलब काउ के एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस। और इस तरह से आपने देखा कि एक ही थीम होने के बावजूद दो डिफरेंट डायरेक्शन से हमने सोचा, और इस तरह से आप क्वेश्चन के पूरे कंटेक्स्ट को समझ पाते हैं। एक बार कंटेक्स्ट को समझ लिया, फिर हम अपने नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं जो है कंटेंट को गैदर करना। क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग के बाद जो भी रिलेटेड मैटर हमें मिलता है उसे हम गैदर करने की कोशिश करते हैं। कोई भी रिलेटेड एग्जाम्पल, डेफिनेशन, स्टैट्स या फिगर्स, उन्हें हम या तो अपने दिमाग में रखने की कोशिश करेंगे या फिर उनके रफ पॉइंट्स बनाकर रफ पेज पे लिख देंगे, क्योंकि एक बार कंटेक्स्ट समझने के बाद हमारा दिमाग सभी डायरेक्शन से उससे रिलेटेड कंटेंट को गैदर करने की कोशिश करता है। और ये इन्फॉर्मेशन रॉ होती है, अनफिल्टर्ड होती है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो टोटली रिलेटेड हमारे क्वेश्चन की डिमांड से ना भी हो। और अगर आपने उसे डायरेक्टली अपने पेपर पे लिख दिया तो हो सकता है कि आप क्वेश्चन की डिमांड से डिविएट हो जाएं और फिर आपको मार्क्स भी अकॉर्डिंगली मिलेंगे। इसलिए उस रॉ इन्फॉर्मेशन को अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए हम लास्ट स्टेप पर आते हैं, स्ट्रक्चर। किसी भी आंसर के अंदर तीन बेसिक कंपोनेंट होते ही हैं, पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा बॉडी और तीसरा कंक्लूजन। किसी भी क्वेश्चन के आंसर में इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन किस तरह से लिखना है वह क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिफर करता है। जिस तरह का क्वेश्चन होता है उसी तरीके से हम लिखते हैं तीनों कंपोनेंट। दूसरा, आपकी नॉलेज पर डिपेंड करेगा, जितनी ज्यादा नॉलेज होगी, रिफाइंड नॉलेज होगी, उतना रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, नॉलेज आंसर्स के अंदर लिखी जा सकती है। और फाइनली आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करेगा कि आपने कितनी प्रैक्टिस करी है जिसकी वजह से आप क्विकली क्वेश्चन के डिमांड को समझ पाते हैं और उतना ही जल्दी उसे लिख पाते हैं। यह सब धीरे धीरे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करने से आ जाता है। और इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन का कंटेक्स्ट समझ में आ गया, फिर आपको पता चल गया कि कंटेक्स्ट से रिलेटेड, मतलब क्वेश्चन की डिमांड से रिलेटेड क्या कंटेंट लिखा जा सकता है। आपने अप्रोच के दूसरे स्टेप के अकॉर्डिंग कंटेंट को गैदर भी कर लिया और फिर रियल पेपर पे आपने स्ट्रक्चर कर दिया, तो इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। परफेक्शन की तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन यह अप्रोच फॉलो करने के बाद आपको एक ऐसा आंसर मिलेगा जिसे एग्जामिनर चेक करेगा तो मजबूर हो जाएगा आपको अबव एवरेज मार्क्स देने के लिए। इसलिए हम आगे इसी अप्रोच का यूज करते हुए क्वेश्चंस को डील करेंगे। फाइनली आज का GS4 का क्वेश्चन देखते हैं। What is bureaucratic apathy? How does it pose challenge on the bureaucracy in general? Explain. इस क्वेश्चन को आप GS4 के सिलेबस पब्लिक या सिविल सर्विसेज वैल्यूज एंड एथिक्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के कंटेक्स्ट को समझते हैं। अभी जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई है कोरोना वायरस COVID-19 पेंडेमिक की वजह से, ब्यूरोक्रेसी के अंदर काफ़ी तरह की दिक्कतें उभर कर आ रही हैं। उनमें से एक है ब्यूरोक्रेटिक अपैथी। उसको आपको एक्सप्लेन करना है और फिर इस ब्यूरोक्रेटिक अपैथी की वजह से ब्यूरोक्रेसी के अंदर किस तरह के चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा है उन्हें एक्सप्लेन करना है। जितना आप इलस्ट्रेशन देकर, जितना आप एग्जांपल देकर समझाएंगे उतना बेटर रहेगा।
इसका कंटेंट आपको जनरल अवेयरनेस से मिल सकता है, आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हैं, आप सिचुएशन देख ही रहे हैं। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली दिल्ली के अंदर कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स की अगर डेथ हो रही है तो उन्हें डस्टबिन के अंदर डाल दिया जा रहा है। इसके अलावा भी नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस के अंदर भी ब्यूरोक्रेटिक एपैथी को देखा जाता है, तो आप उन सभी पॉइंट्स को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। स्ट्रक्चर के अंदर बात करें तो इंट्रोडक्शन की शुरुआत आप जैसे कि क्वेश्चन को पढ़ ही रहे हैं तो ब्यूरोक्रेटिक एपैथी के बारे में बताएंगे। बॉडी के अंदर जो भी चैलेंजेस हैं उन्हें आप लिस्ट आउट करेंगे वन बाय वन, कोशिश करेंगे बहुत सारे डायमेंशंस में ये चीज़ कवर की जाए, एक ही पॉइंट रिपीट ना हो। कंक्लूजन के अंदर आप वे फॉरवर्ड दे सकते हैं कि कैसे इस चीज़ को चेंज किया जा सकता है, और इस तरह से आपका आंसर तैयार हो जाएगा। इसे अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, हम इसके आंसर की हिंट्स को बाद में डिस्कस करेंगे। आई होप आप सभी ने अपना आंसर लिखा होगा। देखते हैं इन क्वेश्चन के आंसर हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसा क्या स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, ऐसे क्या कंटेंट और कीवर्ड हम उसके अंदर डाल सकते हैं जिसकी मदद से एक डिसेंट आंसर तैयार हो सकता है। दीज हिंट्स मे नॉट बी होलिस्टिक बट यू कैन यूज देम एज अ कंपास थ्रू विच यू कैन इवेल्युएट योर आंसर वेदर यू हैव रिटन योर आंसर इन द राइट डायरेक्शन और नॉट। चलिए इन्हें देखते हैं। ब्यूरोक्रेटिक एपैथी के बारे में हम बात कर रहे थे, इस आंसर के इंट्रोडक्शन की शुरुआत क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग ही करेंगे। ब्यूरोक्रेटिक एपैथी की हम डेफिनेशन बताएंगे। ब्यूरोक्रेटिक एपैथी रिफर्स टू द नेगेटिव एटीट्यूड और द इंडिफरेंस शोन बाय द ब्यूरोक्रेट्स परमानेंट एग्जीक्यूटिव टुवर्ड्स देयर वर्क और ड्यूटीज असाइन टू देम लीडिंग टू कॉमन मैन्स ग्रीवियंसेस। मतलब वह नेगेटिव एटीट्यूड ब्यूरोक्रेट्स का, जिन्हें हम परमानेंट एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं, इन लोगों को जब कोई काम दिया जाता है या जो इनकी ड्यूटी होती हैं उन्हें वह फुलफिल ऑनेस्टी से करने के बजाय इंडिफरेंट हो जाते हैं, मतलब इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि वह काम हो रहा है या नहीं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली कॉमन आदमी की परेशानियां और बढ़ जाती हैं। उस नेगेटिव एटीट्यूड को ब्यूरोक्रेटिक एपैथी कहेंगे। वैसे नाम से ही जाहिर होता है ब्यूरोक्रेटिक मतलब हमारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव सिस्टम, और अपैथी मतलब सिंपैथी का अपोजिट, मतलब किसी भी तरह का दया भाव की भावना नहीं होना। आप सभी को पता होगा ब्यूरोक्रेसी एक सेंट्रल रोल प्ले करती है हमारे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और नेशनल बिल्डिंग के अंदर, तो उनका कॉमन लोगों के प्रति सेंसिटिव होना काफ़ी ज़रूरी है। इसलिए अगर हमारे ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के अंदर अपैथी आ गई तो कई तरह के चैलेंजेस को फेस करना पड़ जाएगा। क्वेश्चन के दूसरे पार्ट को डील करते हैं और देखते हैं कि ब्यूरोक्रेटिक अपैथी की वजह से कैसे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। सबसे पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं अनरिस्पॉन्सिवनेस टू पॉपुलर डिमांड्स एंड डिजायर्स ऑफ द सिटीजन्स। मतलब सिटीजन्स की जो डिमांड्स होती हैं, जो डिजायर्स होती हैं, उनके प्रति ये बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिव नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल अगर म्यूनिसिपैलिटी के अंदर कूड़ा नहीं उठ पा रहा है या फिर सड़क पर गड्ढे हैं और उनको फिल करने के लिए अभी तक गवर्नमेंट बॉडी से कोई भी नहीं आया है तो उसे हम अनरिस्पॉन्सिव कहेंगे। सेकंड पॉइंट आप लिख सकते हैं इग्नोर दी ह्यूमन एलिमेंट। अपने काम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है एक ह्यूमन एलिमेंट का होना जो आपको सेंसिटिव बनाता है दूसरे इंसान के प्रति। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बुजुर्ग है, कोई ओल्ड पर्सन है जो अपने प्रॉपर्टी के कुछ कागज़ के लिए गवर्नमेंट ऑफिस में चक्कर लगा रहा है तो उसकी ओवरऑल कंडीशन को ना देखते हुए उसे बार बार चक्कर लगाने के लिए कह रहे हैं कि आज नहीं कल आइएगा, इस तरह से इसके अंदर ह्यूमन एलिमेंट मिसिंग होता है। काम ऑफिशियल है, पेपर्स भी चाहिए, लेकिन ह्यूमैनिटी भी एक चीज़ होती है जो ऑफिशियल्स को नहीं भूलनी चाहिए। फिर आप बता सकते हैं ब्यूरोक्रेटिक एपैथी के कारण रेड टेपिज्म इंक्रीज होता है। रेड टेपिज्म का मतलब होता है इतने सारे रूल्स, फॉर्मल रूल्स को बना देना, स्टैंडर्ड्स बना देना कि पूरा प्रोसेस ही रिजिड हो जाए। इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए और उसके लिए आपसे तमाम तरह के डॉक्यूमेंट्स फिल करने के लिए कहा जाए और साथ में कई तरह के प्रूफ देने के लिए कहा जाए। इस तरह आम इंसान परेशान तो होगा ही और साथ में करप्शन को भी बढ़ावा मिलेगा। कैसे? पर्सन सोचेगा कि इन सारे डॉक्यूमेंट्स को भरने के बजाय मैं खाली पैसे दे के काम करवा लूं तो मैं मेंटल और फिजिकल टॉर्चर सहने से बच जाऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं सेल्फ एग्रेंडाइजमेंट। इसके अंदर ब्यूरोक्रेसी अपने आप को इतना बड़ा समझने लग जाती है
कि कॉमन सिटीजन और उनके बीच में काफ़ी डिस्टेंस आ जाता है, जबकि इन्हें पीपल्स पर्सन होना चाहिए, पर ब्यूरोक्रेटिक एपैथी के कारण इनके अंदर अनअसेप्टेबल डिस्टेंस क्रिएट हो जाते हैं। फिर आप बचे हुए जो भी फैक्टर्स हैं उन्हें बता सकते हैं, जैसे कि ब्यूरोक्रेट्स एरोगेंट हो जाते हैं, सेल्फ सेटिस्फैक्शन के अंदर इंडल्ज होते हैं, और वह डेमोक्रेटिक प्रोसेस को वो रिस्पेक्ट नहीं देते हैं जो देनी चाहिए। फिर लास्टली आप लिख सकते हैं जो इंडियन ब्यूरोक्रेसी के अंदर काफ़ी देखा जाता है, दे फेल्ट दैट दे आर लॉ अन टू देमसेल्व्स, मतलब उन्हें लगता है कि वो पेपर्स के पीछे छिप सकते हैं, किसी भी लॉ को तोड़ मरोड़ सकते हैं, जिससे कि जो भी उन्होंने गलत काम किया है उसे वो छुपा सकते हैं और कानून उन्हें कभी भी नहीं पकड़ सकता। इस तरह से आप काफ़ी पॉइंट्स लिख सकते हैं, और फाइनली आप आंसर को कंक्लूड करने के लिए इसके अंदर कुछ वे फॉरवर्ड के पॉइंट्स दे सकते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर लेवल पे खुद ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, हायरार्की मेंटेन की गई है, उनके अंदर रिफॉर्म्स लाके, साथ में बिहेवियरल लेवल पर चेंजेस लाने के लिए जो भी ऑफिसर्स हैं उन्हें वीकर सेक्शन की जरूरतों से सेंसिटाइज कराया जाए, और जब भी वो कोई इनोवेटिव स्टेप लें तो उन्हें मोटिवेशन दिया जाए, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी डेमोक्रेसी का सेंट्रल पार्ट है। अगर इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लाए गए तभी ब्यूरोक्रेसी गोल सेंट्रिक, रिजल्ट स्पेसिफिक और पीपल ओरिएंटेड बन पाएगी। इस तरह से आप इस आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। फाइनली बात करते हैं कि ऐसा कौन सा एक्स फैक्टर होता है ऐसे कैंडिडेट के बीच जिसकी नॉलेज टॉपर की नॉलेज के इक्वली होती है, पर फिर भी उसे टॉपर से कम मार्क्स मिलते हैं। ऑलमोस्ट किसी भी टॉपर की कॉपी अगर आप उठाएंगे तो उसके अंदर कुछ चीज़ें कॉमन दिखाई पड़ेंगी। पहला, जितना भी पॉसिबल हो उतना ये पॉइंट में बनाकर आंसर देते हैं, कीवर्ड्स के नीचे अंडरलाइन करते हैं जिससे कि एग्जामिनर की अटेंशन डायरेक्टली उन कीवर्ड्स पे जाए। तीसरा, आंसर के अंदर विजिबिलिटी बनी रहे उसके लिए शॉर्ट पैराग्राफ्स बनाते हैं, 5 to 6 लाइंस के, डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल हैंडराइटिंग, जितना पॉसिबल हो वहाँ पे फ्लो चार्ट्स, डायग्राम, मैप लगाने की कोशिश करते हैं, और इस तरह से एक एक्स फैक्टर आंसर के अंदर आ जाता है और उनकी कॉपी दूसरों की कॉपी से अलग दिखाई पड़ती है। आप भी इन बातों का ध्यान रखिए, डेली आंसर राइटिंग करते रहिए जिससे कि ये सारी चीज़ें आपकी आदत में आ जाए। इतना ही इस वीडियो में, कीप राइटिंग, ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।